कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो यार आपसे ये बात पूछनी थी, ये देख सकते हो कि दोनों मुर्गियां मैंने इस मुर्गी के साथ छोड़ी हुई, लेकिन जो है ना सिर्फ एक से दो अंडे दिए, उसके बाद कोई अंडे ही नहीं दिया इन्होंने। तो आप मुझे, अगर आपके नॉलेज में हो कि ये एक मुर्गी के साथ दो मुर्गी रख सकते हैं, तो आप मुझे बता दिएगा। अगर नहीं रख सकते तो फिर मैं एक मुर्गी हटा के ना उस मुर्गी के साथ छोड़ दूँगा, देख सकते हैं। लेकिन यार काफ़ी टाइम हो गया, दो अंडे दिए, पता नहीं किसने दिए, वाली मुर्गी ने दिए ये वाली मुर्गी ने दिए, दो मुर्गियाँ छोड़ी हैं इसके साथ और जो है ना सिर्फ दो ही अंडे दिए। बाकी आप मुझे कमेंट में बता दिएगा अगर आपको बताओ तो। और बाकी मैंने खोला हुआ दोनों को, अभी जो है ना सिर्फ एक दो अंडे दिए हैं, अभी तक कोई अंडा नहीं दिया। इस मुर्गे साथ छोड़ा हुआ जब से मेरे ख्याल से 2 महीने होगा, तो अब जाके इसने अपना 2 अंडे दिए। मैंने एक पहले दिया था 4-5 दिन पहले और एक 3 दिन पहले दिया था, उसके बाद कोई अंडा नहीं दिया। और बाकी ये वाली मुर्गी है माशाल्लाह, इसने आज सुबह अंडा दिया, जब से इसको यहाँ रखा तो माशाल्लाह 3 अंडे इसने दे दिए, 3 से 4 अंडे इस वाली मुर्गी ने दे दिए। तो उस मुर्गी के साथ छोड़ी भी हमने, लेकिन देखें पहले से इसकी जो कंडीशन है वो सही हो चुकी है, जब मतलब उसकी चोंच वगैरह लाल हो रही थी, पर वर खींच दिए थे, मतलब बुरा हाल कर दिया था मुर्गे ने। देखे माशाल्लाह सेट होना शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। तो आज भी थोड़ी देर इनको खोला था हमने, फिर इससे बाद बच्चों को खोल लेंगे। 8 बच्चों में से 2 बच्चे, 8 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे बचे, बाकी सारे मर गए हमारे। बाकी यार कुछ आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं यार, ये सेटअप पे क्या रखें हम लाके नया। बाकी ये कबूतर हैं देखें हमारे, लेकिन अंडों का पता ही नहीं यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों नर हैं, देख सकते हैं आप, मतलब दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं आपस में। मस्ती खाली नर करता है, मादी नहीं करती, लेकिन इसमें दोनों जो है ना ये मस्तियाँ कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट भी और वो जो आप एंड वाला देख रहे हैं वो भी, दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे बता दिएगा कि ये दोनों नर हैं ये दोनों मादी हैं। बाकी मैंने फिंचों को आपको बताया था, वो देखते हैं आप ऊपर वाली जो है, एक फिंच बैठी हुई है अगर आपको नज़र आ रहा हो, वो सामने एक फिंच बैठी थी, तो देखें हल्के हल्का नज़र आ रहा होगा आपको। तो माशाल्लाह 4 अंडे दिए हैं उसने, वो अंडों पर बैठी रहती, बाकी देखते हैं कि कितने दिन बाद अंडे निकलते हैं, तो मतलब बच्चे निकलते हैं, तो मैं भी देखूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा। बाकी हमारे ब्लू वाले तोते जो कि काफ़ी टाइम से अंदर बैठे हैं, और हमने जो है ना चेक भी नहीं किया कि कितने अंडे दिए नहीं दिए, जो भी है वो इंशाल्लाह चेक करेंगे हम कल। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर देखें हम फिर वो अंडे वगैरह ख़राब कर दें, क्योंकि पहले भी 1-2 दिए थे, अंडे उन्होंने ख़राब कर दिए, मतलब एक ही दिया था जो मैंने आपको दिखाया था, इसे गिरा हुआ था यहाँ पर। तो अभी चेक करेंगे इंशाल्लाह कल इसको कि अंडे दिए या सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं। बाकी हमारी दूसरी कबूतरी है ब्लैक एंड वाइट, उसके साथ हमने मतलब वही नर देख रहे हैं ये वाला, वो इसके साथ का, तो काफ़ी टाइम से छोड़ा था, हमने बोला शायद इन दोनों में से एक के साथ मसला, तो हमने फिर जो है ना वो मादी ला के उसके साथ छोड़ दी, लेकिन वो दोनों ही मस्तियाँ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा दोनों नर हैं या क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। बाकी इंशाल्लाह इसके लिए भी लेकर आएंगे, लेकिन लाएंगे ब्राउन और वाइट।
हेलो बस इनको बंद करते हैं, चूजे को खोलते हैं। आ जाओ, आओ आओ, चलो आगे। अब मैंने चीज़ों को खोल दिया, थोड़ी देर घूम लेंगे, खा पी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे थोड़ा। बाकी रोज जो है ना एक टाइम इनको खोल देता हूँ सबको। बस ये वाले पेयर है, एक ये पेयर और एक ही पीछे देख सकते हैं ये पेयर। उसको जो है ना हम खोलते ही नहीं, जो खोलो ना तो फिर ये हाथ में नहीं आता, इस वजह से हम इनको थोड़ा बंद ही रखते हैं। बाकी इनको खोला हुआ थोड़ी देर, देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े होना शुरू हो गए। कलर भी इनके बॉडी पे आ रहा है, एक थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है और एक मतलब डार्क है और एक थोड़ा लाइट है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी इनको थोड़ा सा घूमने देते हैं जब तक हम रैबिटों को देख लेते हैं। बाकी देखते हैं, दाना वाना खा के आराम से बैठे हैं ये लोग, दोनों आपस में मस्तियाँ कर रही हैं। ये छोटा ब्लैक ब्लैक वाला और वाइट वाला, ये और बाकी देखे इसको भी डाल दिया हमने, ये अंदर आपको नज़र आ रही हो ग्रीन ग्रीन घास, ये हमने इसको डाल दी। पानी वगैरह डालते हैं भी इनको, वो छोटे रखे हैं तो ये फ़ौरन जो है ना ख़त्म करते हैं, पी लेते हैं। अरे वाओ, मुझे 12 बच्चे दे दिए भाई, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। और ये देखें दो बोरे, एक वो देखें नीचे है इसके और एक ये देखें, ये माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। पहले इस वाली ने दिए थे, अब इस वाली ने दिए थे माशाल्लाह। बाकी उठा के इनके पास रख देते, एक ही जगह रख देते सारे, ताकि ये खाना वगैरह खिलाए इनको टाइम पर। बाकी देखें माशाल्लाह सारे वाइट हैं और एक की आंखें ब्लैक हैं, बाकी एक इसके नीचे वो भी है ना इसी कलर का, देख सकते हैं आप लोग। ये तो बड़ी गुड न्यूज़ हो गई यार, माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, देख सकते हैं आप। देखें आराम से बैठे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते, हम बैठे रहने देते हैं। बाकी मैंने इनको देखें घास वगैरह डाली थी वो खाली, बस पानी इनको थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि बस ये ना सगुन से खा पी के आराम करें और बच्चों की हिफाज़त करें, क्योंकि पहले वाली उसने आपको पता होगा पिछले वीडियो में देखो आपने नहीं किया, वो सारे बच्चे इसने मार दिए एक करके। एक बच्चा था माशाल्लाह बड़ा हो गया था, कलर भी आ गया था, लेकिन फिर भी मार दिया। लेकिन इस बार जो है ना इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश करेंगे, ख्याल रखेंगे कि सही रहे बस। बाकी आप लोगों ने देखा आज के हमारे रैबिट ने दोबारा बच्चे वगैरह दे दिए, तो बाकी दुआ करिएगा यार इस बार जो है ना ये सही रहें, बिल्कुल खा खिलाए पिलाए इसको बच्चों को, मतलब बड़ा कर दे, क्योंकि अभी जो है ना ये छोटे होते हैं ना तो ये देखभाल नहीं करती, कभी इसके नीचे कभी उधर जाके बैठ जाते हैं बच्चे और ये फिर खाना वगैरह भी नहीं देती इसको। तो बाकी यार आप लोगों ने दुआ करनी है इस बार कि ये जो है ना बस बच्चों को पाल ले अपने। देखा अभी तो माशाल्लाह बैठे हुए नीचे ही, आप लोगों के सामने ही देखे मैंने अभी अभी दिए हैं इसने, थोड़ी देर पहले डाले थे मैंने दाना वगैरह घास वगैरह इनको तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी माशाल्लाह इसने दे दिए। बाकी यार आप लोग दुआ करिएगा लाजमी कि यार ये बच्चे अब सही रहें ताकि जो है ना मरे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर चुके हैं आपको भी पता होगा, मतलब 17-18 बच्चे मर गए अभी होते तो माशाल्लाह पूरा भरा हुआ होता हमारा। इधर हमने दो पेयर छोड़े हुए तो माशाल्लाह सारा ये जो ना रैबिट से भरा हुआ होता, बस क्या करें नसीब नहीं था। बाकी यार
आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सभी भाई को। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ में याद रखिएगा और भाई को सपोर्ट करें। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Are you all my personal dreams?